एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़े ये ट्रैक्टर गाजियाबाद पुलिस के हैं। कल लोनी के फरूख नगर में पुलिस ट्रैक्टरों के साथ मजदूर लेकर इस इलाके में आई थी। खबर थी कि यहाँ घरों में बड़ी संख्या में बारूद छिपाया गया है। इसके बाद गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने आदेश दिया कि पुलिस तत्काल सख्त कार्रवाई करे। प्रशासन इतना अलर्ट था कि लोनी थाने की पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया गया। दूसरे थाने की पुलिस को लेकर टीम बनाई गई और पुलिस इस इलाके में पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पुलिस जिस भी घर में जा रही थी उसे वहां भारी मात्रा में बारूद और एक पटाखे का कारखाना मिल रहा था। कुल 12 घरों में पटाखे की फैक्ट्री मिली। इसमें भी बारूद बेहद खतरनाक ढंग से छिपाया गया था। देखिए, लोनी तहसील के फर्रुख नगर क्षेत्र से बार बार सूचना मिल रही थी कि वहां पर अवैध पटाखों का भंडारण है और अवैध ढंग से पटाखे बनाए जा रहे हैं, और इसके लिए हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ विचार विमर्श किया और दूसरे थाने की पुलिस का एक बल गठित किया गया जिसने एसडीएम लोनी के नेतृत्व में वहां छापेमारी की कार्रवाई की है, और इस छापेमारी में करीब 1 करोड़ का पटाखा बरामद हुआ है। पटाखा बनाने की सामग्री वहां से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंडीशन में ये पटाखे रखे गए थे उससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और जनहानि भी हो सकती थी। पुलिस ने यहाँ कुल 12 घरों में छापेमारी की। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की अवैध रूप से बनाई गई आतिशबाजी बरामद हुई है। इसके अलावा भारी मात्रा में आतिशबाजी बनाने का बारूद और कागज मिला। आतिशबाजी को नष्ट कराया गया है और जमीन में दबाया गया है।